ट्रेन आ चुकी है, हम भाग रहे हैं। भाई दौड़, लेट हो गया तू। ट्रेन खड़ी है और हम लोग हो गए लेट। हेलो तो हमारी ट्रेन आ गई है, ये रहा रूट हमारा। अरे कैसे हो? ये रहे हमारे प्रेसिडेंट साहब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता की। ने ऊपर फोन कर दिया दुलमाना, संदीप दुलमाना से है, कुछ बोलना चाहोगे आप वैष्णो देवी टूर के बारे में? वैष्णो देवी टूर में बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेंड हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुँच गए हैं फिरोजपुर कैंट, टाइम हुआ है 8:30 और सुबह तक हम पहुँच जाएंगे। अभी हमारी जर्नी हो गई है, लगभग 3 बजे हम चले थे और 8:30 हो गए हैं, मतलब 5.5 घंटे की जर्नी अभी तक हो चुकी है और अभी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों हम आ गए हैं जम्मू, जम्मू तवी स्टेशन पर। अभी हम जैसे जम्मू स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, 7:15 के आसपास ट्रेन होगी अभी कटरा के लिए, वही उसी का वेट कर रहे हैं। ट्रेन हमें कुछ
लगभग 2 घंटे का सफ़र है जो हम अभी आपको दिखाएंगे रास्ते के अंदर किस टाइप का है। 2 से 2.5 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से हम जो भी आगे की होगा तो आपको आगे अपडेट करते हैं। दोस्तों ट्रेन आ गई है, इससे हम कटरा तक जाएंगे। कितने देर रुकती है ट्रेन यहाँ पे? अच्छा क्रॉसिंग के लिए रुकी है क्या? आगे संतोष अपने जमपुर है, ये जमपुर हम लोग पहुंच गए हैं। क्या हुआ? जय माता दी। अरे कैसे? हम जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आओ आओ जय माता दी। 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 टावर ने बांध रखा है। अरे खुश हो गया तो जय श्री फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। वरना पहली बार आए क्या? हम यहाँ पे पहली बार आए हैं। कैसा अनुभव लग रहा है? ट्रेन का सफर कैसा रहा आपका? अच्छा लग रहा है। अच्छा था। हम फुल सोए थे, फुल नींद काटी थी। बना सोते हुए बना बना रे बागा में झूलो डालो सारी बंदड़ी रे सारी बंदड़ी रे। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। हंसते बोलो जय माता दी। माता दी।
माता दी। हंसते बोलो जय माता दी। रोते बोलो जय माता दी। हंसते बोलो जय माता दी। जुड़ी अभी है काफी सफर है, मतलब बहुत दूर जाना है। बहुत दूर जाना है, मतलब बहुत दूर क्या, अभी सिटी में जाएंगे, होटल वगैरह देखते हैं, उसके बाद में पता चलेगा क्या करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग होटल वगैरह देखते हैं। ये है कटरा स्टेशन। स्टेशन से बाहर आए हैं और देखिए यहाँ पे बढ़िया सफ़र रहा, बहुत इंजॉय किया। ट्रेन का जो जर्नी है बहुत अच्छी है, काफ़ी सारी टनल्स आती हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। ट्रेन के थ्रू आप जम्मू टू कटरा आते हैं, बहुत शानदार व्यू है वहाँ का। तो संतोष, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब यहाँ से हम मेन कटरा, जहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, वहाँ के लिए निकलेंगे, जहाँ से हमें अभी अपनी यात्रा पर्ची निकलवानी पड़ेगी। अच्छा, देखते हैं अभी कितनी भीड़ है, क्योंकि यात्रा पर्ची का पेड़ होती है कैसे फ्री होती है, बाकी ज़्यादा के फ्री होती है। पहली बार का अनुभव ही अलग होता है। हाँ वो तो है ही। अभी तो यहाँ पर अभी आपको नॉर्मली दिखाया, जैसे कि आप लोग ट्रेन के अंदर आए होंगे, ट्रेन के अंदर देखा होगा। अभी जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे देखना व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो दिन कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अभी तक पता ही नहीं, अभी तक बढ़िया लग रहा है, आगे देखो। यहाँ से अब हम लोग अपने होटल में जाएंगे, होटल बुक करेंगे और उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। डिस्कशन हो रहा है कि ऑटो करें या फिर पौड़ी पौड़ी चलते जाओ, जय माता दी करते जाओ। लेफ्ट चलना है, ऊपर होटल बुक हो जाए और फ्रेश होके हम लोग फिर वहां से चढ़ाई शुरू करेंगे। देखते हैं आगे का सफर चल रहे हैं ना, ये तो ऐसी ही चढ़ाई होगी ऊपर की, धीरे धीरे हम सब पूरी कर देंगे। यहाँ अभी हम पहुँचे हैं, मेन स्टैंड है जहाँ से अभी हमको यात्रा पर्ची जो मिलेगी यहीं से हम यात्रा स्टार्ट करेंगे अपनी। तो देख सकते हैं भीड़ बहुत है, नवरात्रि का टाइम है, देख सकते हैं बहुत श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं। वहाँ जाना है पर यात्रा पर्ची लेने जा रहे हैं। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है, अंदर काफी भीड़ है यात्रा पर्ची की, बहुत सारे काउंटर मिल जाएंगे आपको। इस तरीके की यात्रा पर्ची मिलेगी है ना, कभी भी अपनी यात्रा शुरू करें यात्रा पर्ची जरूर ले लें, या तो ऑनलाइन निकलवा सकते हैं या फिर यहाँ पर आके प्लान में
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजली बेसिस पे हो जाता है, कोई ऐसा कॉस्ट के रिगार्डिंग आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी तरीके की। यहाँ आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी आपको अपने रूम दिखाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे क्योंकि लंबा रूट तय करके आए हैं। अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ और अभी से थकान होने लगी है। पे क्या है ना, आपको हर जगह लाठियां मिल जाएगी, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना तो उनको चलने में दिक्कत होती है, तो आप दुकान से जैसे चल के आ रहे, देखिए वैसे आप लाठियां ले सकते हैं। आप चलने में प्रॉब्लम होती है, आगे चल के चढ़ाई बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्ग लेना है, अगर आपको लेना है तो आप भी ले सकते हैं। सार मिल रहा है, आप यहाँ पे लंगर ले सकते हैं। पूरे रास्ते देखेंगे, पूरे रास्ते यहाँ पे लगा हुआ आपको दिखेगा। बंदर खैनी खा रहा है, चले हम जा रहे हैं अभी वैष्णो देवी की चढ़ाई पे। पहले नहाएंगे, फ्रेश होएंगे, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। यात्रा का प्रारंभ करते हुए हम ऊपर वाली चोटी पर पहुंचेंगे। वहां पे देखिए आप, ऊपर वाली चोटी पर वैष्णो देवी धाम है, और फिर वहां से होते हुए हम भैरव धाम जाएंगे। भैरव धाम उससे भी ऊपर है, भैरव धाम वो सामने ऊपर वाली चोटी पे है, भैरव धाम वहाँ, भैरव धाम है वहाँ जाएंगे। और इस वक्त के लगभग बजे हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम बाहर ढोलते फिर रहे हैं। चलो अभी से चढ़ाई इतनी वो हो गई है ना, मुश्किल। अभी तो हम लोग होटल पे भी नहीं गए हैं, होटल पे जाएंगे और उसके बाद फ्रेश होकर फिर जाएंगे। अब होटल की लोकेशन भी क्या है ना कि ऐसी लिया कि जहां से सीधा फ्रेश हो और सीधा वहां से ऊपर चढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। पूरा व्यू हो गया। चिंतामणि धर्मशाला होटल धर्मशाला बुक हो गया। 117 119 119 कितना खर्चा कितना है इसमें? अच्छा मतलब सबका 800 रुपए करीब ना, ठीक है, काफी अच्छा बजट में आपको मिल जाएगा। जब ग्रुप में अगर आते हैं ना तो $119 बहुत बड़ा धर्मशाला है।